तो कई बार ऐसा होता है कि सोचना अभी नहीं डिसाइड करना है, पहले जाओ वहां देखो क्या है क्या नहीं, कैपेबिलिटी वहां जज करना एक्चुअल मैदान में। कई बार जरूरी थोड़ी कि हर पिच पे जो है 300 का स्कोर बने, किसी किसी पे 200 का बनता है और 200 रन डिफेंड भी होते हैं, ऐसे मैचेस आपने देखे तो वैसे एग्जाम भी है। पहले वहां जाओ देखो सिचुएशन क्या कहता है और सिचुएशन है कैसा, फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करना कैपेबिलिटी को। और दूसरी बात, जितना पढ़े हो कम से कम उतना भरोसा रखो। किसी ने कहा ये पढ़ोगे तब होगा, वो पढ़ोगे, वो सब बात अलग है, लेकिन कम से कम जो पढ़े हो बी कॉन्फिडेंट। एंड अब तो ये सोचने का सवाल ही नहीं है, 2-3 दिन में तो कुछ पढ़ नहीं पाओगे। कम से कम ट्राई टू मेक योर माइंड पॉजिटिव। एंड आई डोंट नो कि आप ये कब रियलाइज करेंगे कि पॉजिटिव थिंग्स अट्रैक्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। जब आप अच्छा सोचेंगे ही नहीं तो अच्छी चीजें आपके साथ होंगी कैसे। इसलिए कम से कम कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब कम से कम अगर झूठा ही सही, कम से कम ये कहिए कि नहीं मेरा हो सकता है, या मैंने, मतलब आपको रियलिटी पता होती है, लेकिन स्टिल शब्दों से थोड़ा अच्छे चीजों का यूज करिए, वो चीजें आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम लेके आती हैं। और नहीं भी होगा तो ठीक है, अगली बार से की साइकिल है उसको और अच्छे से करो, और 2-4 महीने जो है थोड़ा सा कम पड़ जाता है, 4 महीने में से 1 साल की तैयारी बहुत मुश्किल है फ्रेशर्स के लिए, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कुछ ही लोगों के लिए हो पाता है। तो इसलिए चिलैक्स रहो, दे के आओ, कम से कम अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी कितने पानी में क्या मेहनत करना है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही एक ड्यूटी जिसको बोलते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी से ज्यादा जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए और बाकी तो कुछ ना कुछ लाइफ में लगा रहेगा, कभी हेल्थ, कभी फैमिली, तो कभी रिलेटिव, कभी कुछ ताना, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। जिंदगी सोचोगे कि एकदम सब कुछ, एक वो ना एक मूवी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक इरफान खान की मूवी का सीन मैंने ऐसे कहीं पे शॉर्ट्स में देखा था, वो कोंकणा सेन के साथ था, वो कहीं नदी के किनारे बैठा था, वो कहता था कि मेरा एक दोस्त है ना, उसने नई गाड़ी ली और वो गाड़ी जो है उसके गैरेज में पड़ी हुई है। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर तुम अपनी गाड़ी रोड पे निकालते क्यों नहीं, इतनी नई गाड़ी खरीदी। तो उसका दोस्त बोलता है कि जब जिस दिन जो है पूरे शहर की ट्रैफिक ग्रीन रहेगा ना, मैं उस दिन जो है वो गाड़ी लेके निकलूंगा ताकि मेरे गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना मारे। तो वो कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कभी हो ही नहीं सकता। कहते पहले गाड़ी लेके निकलो तब ना पता चलेगा कौन सा सिग्नल ग्रीन है कौन सा वो है। तो एग्जैक्टली लाइफ ऐसी ही है, जिस दिन हम सोचेंगे सब कुछ अच्छा होगा तब हम अपनी पढ़ाई लेके चलेंगे, तब हम अपने करियर को बिल्डअप करेंगे ना, तो फिर तो हो चुका कल्याण। एक जहां तक रास्ता दिख रहा है पहले वहां तक चलो, उसके बाद का रास्ता वहां पहुंचने के बाद नजर आएगा, उसके बाद नजर आएगा। आप यहीं बैठे बैठे कहाँ कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो ये लाइफ गूगल मैप नहीं है, तो यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा जहां तक रास्ता दिख रहा है, उसके बाद फिर उसके आगे का रास्ता वहां से दिखेगा, और बाकी के जो हर्डल्स और डिस्टर्बेंस है वो हमेशा ही रहेंगे, उसको इग्नोर मारो। ठीक है,